मॉर्निंग चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे SST की पेज नंबर 82, और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो बात रोज़ बोलती हूँ उस बात को आज फिर रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं प्रेजेंट कितना देर रहना है, जितना देर की आपकी क्लास की वीडियो होती है उतना पूरा देर पूरा समय आपको वीडियो देखना है, तब आपका प्रेजेंटेशन माना जाएगा, ओके। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, ओके। और आपको हर दिन दो बार अटेंडेंस बनानी होती है। दो बार कैसे? एक बार जो आपने अभी बना लिया, और दूसरा जब क्लास एंड होगा और मैं गुड हैबिट टिप दूंगी उस समय आप एक बार अटेंडेंस बना लीजिएगा। तो दो बार हो जाएगा ना, क्लास के स्टार्ट होने के वक्त और क्लास के एंड होने से पहले, ये दो बार आपका अटेंडेंस बन जाएगा। दो बार बनाना है, एक बार आपने बना लिया, अब जो नेक्स्ट यानी कि सेकेंड टाइम आप जो बनाइएगा वो कब बनाइएगा? जब मैं क्लास को एंड करूँगी और मैं गुड हैबिट टिप दूँगी एंड करने से पहले, उस समय आपको बोल दूँगी और आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लेंगे। तो मैं ये जो बात रोज़ बोलती हूँ है ना, प्रेजेंट रहने के लिए, बुक परचेस करवाने के लिए, अरे अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट को बोलने के लिए है ना, और दो बार अटेंडेंस बनाने को, तो ये सभी बात को आप फॉलो करें अपनाएं। मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं हम लोग क्लास में तो नहीं है जो मैं घूम घूम कर आप सभी बच्चों को ध्यान दूँ, देख सकूँ कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरे बातों को मान रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। तो इस उम्मीद को बरकरार रखिए, बनाए रखिए, इसे ज़रूर पूरा कीजिए, ओके। और इन बातों पे ध्यान दीजिए, ये सभी आपके बेनिफिट के लिए है, फ़ायदे के लिए है। तो प्लीज़ इन बातों को पूरा करने की कोशिश करें और ज़रूर पूरा करें। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 11 का वो आज हम करेंगे। तो बुक वाले बच्चे बुक में करेंगे, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर 11 का वर्ड मीनिंग लिखाया था, और नेक्स्ट डे मैंने क्या लिखाया था प्रीवियस क्लास में, चैप्टर 11 का शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डी कराया था। कौन कौन का क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक लाइन यानी कि एक वर्क एक सेंटेंस में देना था। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन, है ना यात्रा का क्या अर्थ होता है, क्या समझते हैं इस अर्थ से, वो लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट आर द थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट के तीन अलग अलग तरीके हैं, उन तीनों तरीकों का नाम लिखना था, क्या होते हैं बताना था। थर्ड क्वेश्चन था नेम एनी टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और पानी में चलने वाली गाड़ी जो होती है उनका कोई भी दो साधन का नाम लिखना था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था विच एनिमल इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डिजर्ट, रेगिस्तान में हम लोग कौन से जानवर का इस्तेमाल करते हैं यात्रा करने के लिए, उसका नाम लिखना था। और क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फाइव विच एनिमल इज़ यूज फॉर कैरिंग लोड, कौन से जानवर का इस्तेमाल बोझा ढोने के लिए किया जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर मैंने प्रीवियस क्लास में लिखा दिया था और मैंने आप लोगों को होमवर्क दी थी रिमेंबर को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने याद किया होगा, और याद करने के बाद सुनाना होता है ताकि आप सुनाने से आपको पता चल जाता है कि आपने जो चीज़ याद की वो कितना याद किया और कहाँ तक याद हुआ कहाँ पे नहीं याद हुआ। तो आप ज़रूर सुनाया कीजिए, और आपने सुनाया भी होगा और आपको पता चल गया होगा कितना याद हुआ। जिन बच्चों को बाय द वे नहीं याद हो पाई है वो बच्चे फिर से याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ, और बुक वाले बच्चे तो बुक में लिखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे आपको क्या करना है, तो आपको नोटबुक ओपन करनी है, और चैप्टर 11 का शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट आंसर वाले पेज में अगर तीन से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आपको उस पेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि तीन से ज़्यादा लाइन दैट मीन्स कि वो हाफ़ पेज है, चाहे वो चार लाइन हो या पांच लाइन हो, हाफ पेज हो जाता है तो आपको उस पेज का इस्तेमाल करना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जिनके नोटबुक में आंसर क्वेश्चन के बाद तीन से ज़्यादा लाइन है तो वो उस पेज से लिखेंगे, और जो आंसर क्वेश्चन के नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो ये तो हुई मेरे लिखने का तरीका, आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिए और प्रॉपर वे में, ओके, इस तरीके से आप लिखिएगा। चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ, रिमेंबर डाल दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ए है
क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो हम यहाँ पे चार ऑप्शन है, लेकिन चारों ऑप्शन को मैं नहीं लिखूंगी, जो आंसर होगा डायरेक्ट वो आंसर लिखूंगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, इनमें से कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि नजदीक की दूरी की यात्रा के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है ट्रक, ट्रेन, रिक्शा या नन ऑफ दीज, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमें नज़दीक की दूरी में कहीं यात्रा करना है, कहीं जाना है, तो हम कौन से गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? यस, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, पहले बॉक्स बना देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिक्शा, आर आई सी के एस एच ए डब्ल्यू, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रिक्शा लिखा हुआ है, ऑटो रिक्शा नहीं है, रिक्शा है, दैट मीन्स कि जो साइकिल की तरह होता है और बीच ड्राइवर जो चलाता है पैडल मार के और पीछे दो लोग बैठते हैं, ओके, तो वो रिक्शा कहलाता है, तो वो उसको इंसान ही चलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, नज़दीक की दूरी के लिए, कम दूरी के लिए हम जो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी गाड़ी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रिक्शा, ये आंसर हो जाएगा। तो बुक वाले बच्चे को मैंने बनाने को दिया था, अगर आपने बनाया है तो मैच कर लीजिए, अगर आपने रिक्शा पे टिक किया है तो सही है, अगर गलत हो गया तो उसको कोई बात नहीं, इरेज करके सही कर लीजिए। और बुक वाले बच्चे को अगर मैं होमवर्क देती हूँ तो बनाया कीजिए, और ज़रूरी है बनाना। नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हटेगा लेकिन उसका आंसर नहीं हटेगा, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर वन को वाइप कर रही हूँ, है ना, इरेज कर रही हूँ। तो फिर से एक बार समझा दूँ, क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, इनमें से कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल कम दूरी की यात्रा के लिए करते हैं? तो वो ऑप्शन हो जाएगा रिक्शा, ये हमारा ये आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग कर दिया, मतलब इनमें से कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल हम लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी की यात्रा के लिए करते हैं? तो ऑप्शन है बाइसिकल, ट्रेन, बस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लंबी दूरी की यात्रा अगर करेंगे तो कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे? तो हमारा पहले बॉक्स बना लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन। देखिए लंबी दूरी में लोग बस से भी जाते हैं, लेकिन बहुत लंबी दूरी, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से हैदराबाद या चेन्नई जाना हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन, हमें ट्रेन से जाना चाहिए। बस से अगर हम जाएंगे तो रुक रुक के जाएंगे, या फिर हमें बस बीच में चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रेन से हम जाएंगे तो डायरेक्ट जाएंगे, भले हमें समय लगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रेन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए डैश इज अ मींस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, क्वेश्चन बोला था ए डैश इज अ मींस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट,
है ना, ये एक पानी में चलने वाला यानी कि पानी से यात्रा करने वाला साधन है। तो कौन सा है? ऑप्शन है कार, ट्रेन, बाइसिकल, शिप। तो इनमें से कौन सा अगर हम पानी द्वारा यात्रा करेंगे, है ना, पानी के द्वारा जाएंगे, पानी के रास्ते से जाएंगे यानी कि नदी समुद्र होते हुए जाएंगे, तो कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे? यस, आप समझ ही गए होंगे। तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं और क्या हो जाएगा? शिप, SHIP, शिप स्मॉल होगा, स्मॉल होगा क्योंकि हमें यहाँ पे फिल करना है। और हाँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहता है और तो मतलब खाली जगह वाला क्वेश्चन रहता है टिक द करेक्ट ऑप्शन में, तो जिस ऑप्शन में हमने टिक लगाया है उस ऑप्शन वाले वर्ड को हमें खाली जगह में लिखना होता है। तो हम क्या लिख देंगे? शिप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए शिप इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप जो है, जहाज जो है, पानी में यात्रा करने वाला एक साधन है, पानी द्वारा यात्रा करने का एक साधन है। तो मेरा दो ही क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए इसे वाइप करूंगी, तब क्वेश्चन नंबर है ना 4 लिखाऊंगी। फिर से एक बार समझा दूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इनमें से कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल हम लंबी दूरी की यात्रा के लिए करते हैं? तो हमारा आंसर है ट्रेन। उसके बाद है 3rd है, ए डैश इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये एक पानी द्वारा यात्रा करने का एक साधन है, तो क्या हो जाएगा? शिप। तो ए शिप इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, एक जहाज पानी द्वारा यात्रा करने का एक साधन है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। ट्रांसपोर्ट इज एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट, कौन सा गाड़ी, कौन सा परिवहन है ना एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट परिवहन करने का जो सबसे महंगा तरीका है कौन सा है? तो ऑप्शन है लैंड, वाटर, एयर या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं जो सबसे महंगा होता है यात्रा करने के लिए, मतलब टिकट कटाते हैं, तो सबसे महंगा किसका टिकट का दाम होता है? यस, तो आप सभी बच्चे जानेंगे। तो आंसर हो जाएगा एयर। एक मिनट, पहले यहाँ पे हम बॉक्स बना के एयर लिखते हैं, AIR, एयर। और जिसको हमने टिक लगाया उस आंसर वाले वर्ड को हमें यहाँ लिखना होता है एयर। तो हमारा क्या हो जाएगा? एयर ट्रांसपोर्ट इज एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, मतलब एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का जो तरीका है, साधन है, उसमें से एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवा द्वारा, है ना, आसमान द्वारा, फ्लाइट द्वारा जो हम यात्रा करते हैं वो सबसे महंगा होता है। इसीलिए प्लेन का जो टिकट है वो ट्रेन या बस या बाकी गाड़ियों के जो टिकट से काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि वो कम समय में हमें बहुत दूर तक आसानी से ले जाता है, कम समय में पहुंचा देता है और उसमें सुविधाएं, फैसिलिटीज़ आपको बहुत सारी होती है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट। विच एनिमल इज यूज, विच एनिमल इज यूज फॉर transport in heavy area bola which animal is used for transport in hilly area hilly area hilly means pahadi पहाड़ी वाले क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में कौन से जानवर का इस्तेमाल, है ना, यात्रा करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हॉर्स, म्यूल, डंकी या कैमल। तो आप सभी जानते हैं किस जानवर का हीली एरिया में यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले बॉक्स में बना लूँ, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा? म्यूल, MULE, म्यूल मीन्स खच्चर होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग हीली एरिया में, पहाड़ी वाले इलाकों में यात्रा करने के लिए किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, आप सभी बच्चे मैच कर लिया।
अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर बी यानी कि मैच द फ्लोइंग वो करूँगी, लेकिन उससे पहले एक बार और फिर से समझा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर ए है, फोर है, डैश ट्रांसपोर्ट इज एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारा ऑप्शन यानी कि आंसर हो जाएगा एयर। एयर ट्रांसपोर्ट इज एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि हवा परिवहन जो होता है वो सबसे महंगा परिवहन का तरीका होता है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच एनिमल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन हिली एरिया, है ना, पहाड़ी वाले क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में कौन से जानवर का इस्तेमाल, है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए, यात्रा के लिए, परिवहन के लिए किया जाता है। तो आंसर है म्यूल। ओके, अब मैं वाइप करी और क्वेश्चन नंबर बी इस तरीके से लिखूंगी। और हाँ, नोटबुक वाले बच्चे एक बात का ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, जो अब हम मैच दी फ्लोइंग बनाएंगे तो मैच दी फ्लोइंग, है ना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है अभी मैं लिख के बता रही हूँ उसका तरीका। तो आप लोग नोटबुक वाले बच्चे नोट करने के लिए रुकेंगे। को कहा था रुक जाइएगा, नहीं लिखेगा, कहने का मतलब है कि आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन लिखा। अगर उस पेज में 2 3 4 लाइन है तो उस पेज से आपको ये नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, तो देखिए मैच द फ्लोइंग का एक लाइन 1 2 3 4 5 6 ओके, क्वेश्चन भले आप लिख सकते हैं उस लाइन में, उस पेज में, है ना, अगर एक लाइन बचा है तो क्वेश्चन लिखेगा, लेकिन 1 2 3 4 5 इसके लिए हमें 5 लाइन चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए मैच दी फ्लोइंग जब भी कीजिएगा तो मैच करना है। तो मान लीजिए म्यूल हम लिखते हैं, म्यूल का जो आंसर मैच करेंगे उसको मैच करना है। ओके, तो म्यूल आप जानते हैं, म्यूल को हम किससे मैच करेंगे, यहाँ पे हिली एरिया, तो ई नंबर यहाँ लिखेंगे। तो अगर आपके नोटबुक में 3 लाइन है और 3 वर्ड अट रहा है, ओके, उसके बाद एलिफेंट और बुल्लॉग दूसरे लाइन दूसरे पेज में अटता है, उसके लिए मैच दी फ्लोइंग आपने कैसे, एक पेज से दूसरे पेज में कीजिएगा, वैसे मैच किया था नहीं ना। तो मैच दी फ्लोइंग हमें न्यू पेज से ऐसे पेज में लिखना है कि जहाँ पे हमारा पूरा कॉलम ए का भी ऑप्शन और कॉलम बी का भी ऑप्शन अट जाए, मतलब कॉलम ए और कॉलम बी इसका भी ऑप्शन और वर्ड अट जाए। ओके, तो अगर आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले पेज में 2 या 3 लाइन है या 4 लाइन है तो उस लाइन को छोड़ दीजिएगा, उस पेज को छोड़ दीजिएगा और मैच दी फ्लोइंग के लिए दूसरा नया पेज लिखिएगा। उसके बगल में जो नया पेज है, मतलब उस पेज में कुछ नहीं लिखा हुआ है, उस पेज से लिखिएगा। नोटबुक वाले बच्चों को ये बात बोलिए, बुक वाले बच्चों को तो सिर्फ मैच करना है, मिलाना है। ओके, तो नोटबुक वाले बच्चे मैच दी फ्लोइंग के लिए नया पेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर जिनके प्रीवियस पेज में लाइन कम है, 5 लाइन से कम है, तो
ओके। तो चलिए अब हम मैच दे फ्लोइंग करते हैं। मैच दे फ्लोइंग में क्या करना है, म्यूल है, म्यूल को किससे मैच करेंगे, म्यूल विस खच्चर। तो इसका इस्तेमाल अभी हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में पढ़ा कि इस जानवर का इस्तेमाल हम लोग कौन से इलाके में यात्रा करने के लिए करते हैं, तो हीली एरिया में, हीली विस पहाड़ी इलाकों में हम इससे मैच कर देंगे। ओके, उसी तरीके से इसका हमें बॉक्स में क्या लिखना है, ऑप्शन में लिखना है। तो वन है, वन का हमने किससे मैच किया, तो ई से, तो हम वन का ई लिख देंगे, क्लियर। उसी तरीके से टू है, टू यहाँ लिख देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, एक साथ नंबर ये डाल लेते हैं। टू में क्या है, कैमल, तो कैमल को हम किससे मैच करेंगे, तो यस आप देख रहे हैं कैमल ए नंबर से मैच हो गया, यानी कि डिजर्ट, कैमल को हम डिजर्ट से, यानी कि कैमल का जो इस्तेमाल है, ऊँट क्या है, एक जानवर है, उसका इस्तेमाल हम डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाले इलाकों में यात्रा करने के लिए करते हैं। ओके, तो टू को हमने किससे मैच किया, डिजर्ट से, तो डिजर्ट का क्या ऑप्शन है, ए, तो हम टू में क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। उसी तरीके से आप थ्री है, थ्री नंबर है, थ्री में क्या है, स्कूटर, स्कूटर किससे मैच होगा, आप ध्यान दीजिए, तो स्कूटर हो जाएगा टू व्हीलर, टू व्हीलर मीन्स हो जाएगा यानी कि दो पहिए वाला, स्कूटर कैसा गाड़ी है, तो दो पहिए वाला गाड़ी है, टू व्हीलर है। ओके, तो हम किससे मैच कर देंगे स्कूटर को, टू व्हीलर से। तो थ्री नंबर का किससे मैच हुआ, स्कूटर टू व्हीलर से मैच हुआ, और टू व्हीलर का जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, बी है, तो थ्री में आप क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। उसी तरीके से एलिफेंट है, एलिफेंट किससे मैच होगा, तो एलिफेंट मीन्स हाथी, हाथी का इस्तेमाल हम कौन से इलाकों में यात्रा करने के लिए करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों में यात्रा अगर हमें करना होता है तो वहाँ पे हम हाथी का इस्तेमाल करते हैं। तो एलिफेंट को किससे मैच करेंगे, थिक फॉरेस्ट से, है ना। तो थिक फॉरेस्ट का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी है, तो फोर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी तरीके से बुल्लॉक है, बुल्लॉक मीन्स बैल, बैल का क्या होता है, तो बैल गाड़ी होता है ना, तो कार्ट मीन्स गाड़ी यानी कि ठेला, तो बुल्लॉक को हम कार्ट से मैच करेंगे, तो कार्ट का ऑप्शन क्या है, डी है। ओके, इसी तरीके से हमारा हो गया, तो ए का ई हमने लिख दिया, टू का ए हमने वहाँ लिखा, थ्री का बी हमने यहाँ लिख दिया, फोर का सी हमने यहाँ लिखा, और फाइव का डी हमने यहाँ लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो मैच दी फ्लोइंग में आपको इसी तरीके से करना होता है, मतलब कि देखिए नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा, तो आपका ये वाला बॉक्स जो है वो ऐसे एक साथ नहीं हटेगा, तो आप कॉलम ए वाला एक तरफ लिखिए, कॉलम बी वाला एक तरफ लिखिए। अब लेगा ये बॉक्स जो बचेगा मैं कहाँ लिखूँगा, तो आप लोग सभी इसके नीचे लिख दीजिएगा बॉक्स। ओके, मतलब अपना नया पेज से लिख रहे हैं और नया पेज से ही मैच दी फ्लोइंग बनाइए, पाँच लाइन में ये हट जाएगा, और पाँच लाइन क्योंकि एक नोटबुक में 10 लाइन होते हैं या 11 लाइन होते हैं, तो ये बॉक्स आप नीचे लिखिएगा। ओके, आप बगल में मत लिखिएगा, साइड में मत लिखिएगा, क्योंकि फिर आपका घचपच हो जाएगा और नोटबुक में कम चौड़ाई कम होती है ना, तो फिर वहाँ पे मैच करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप कैसे मैच कीजिएगा। तो एक तरफ ये लिखिए, दूसरी तरफ ये लिखिए। अब बच्चा बॉक्स वाला, तो बॉक्स को नीचे बनाइएगा, मैच दे फ्लोइंग के नीचे एक पूरा ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा। ओके, इसी तरीके से कॉलम ए वाले वर्ड को कॉलम बी वाले वर्ड से मैच कीजिएगा, और कॉलम ए वाले ऑप्शन को कॉलम बी वाले ऑप्शन के साथ लिख देना है। मतलब हमने वन नंबर को ई से मैच किया, तो वन का ई हो गया, टू नंबर को किससे मैच किया, तो टू को ए से मैच किया, तो टू का ए हो गया। उसी तरीके से थ्री नंबर को किससे मैच किया, तो थ्री को बी से मैच किया, तो थ्री का बी हो गया, यहाँ पे लिख दिया। उसी तरीके से फोर नंबर वाले को किससे मैच किया, तो सी नंबर से मैच किया, तो फोर का सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, तो फाइव नंबर वाले को किससे मैच किया, तो डी से मैच किया, तो फाइव का डी हो गया। तो इस तरीके से मैच द फ्लोइंग में हो गया। तो म्यूल, हिली एरिया, कैमल, डिजर्ट, स्कूटर, टू व्हीलर, एलिफेंट, थिक फॉरेस्ट और बुल्लॉक कार्ट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, तो हमारा आज क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। ओके, लॉन्ग आंसर भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर सी भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं अपनी क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, और आप सभी बच्चे जानते हैं जब क्लास एंड होता है उस समय आपको क्या करना होता है, अटेंडेंस बनानी होती है। तो सभी बच्चे पहले अटेंडेंस बना लें अपना, फिर हम लोग आज गुड हैबिट टिप देखेंगे कि क्या है। और हाँ, आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी दिया उसे याद कीजिएगा। तो होमवर्क है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई, ए एंड बी ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी आपको याद करना है। ओके,
और जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर डी यानी कि लॉन्ग शॉर्ट आंसर जो हमने लिखाया था चैप्टर 11 का, अगर जिन बच्चों को शॉर्ट आंसर नहीं याद है वो बच्चे शॉर्ट आंसर याद कर लेंगे, ओके। जिनको नहीं याद है उनके लिए अगेन रिमेम्बर है, और जिनको याद है वो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को ही सिर्फ याद करेंगे, ओके। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ चैप्टर 11, चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर ए भी याद कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर डी यानी कि शॉर्ट आंसर नहीं याद है वो बच्चे शॉर्ट आंसर भी चैप्टर 11 का याद कर लेंगे। आप लोगों का अटेंडेंस बन ही गया सेकंड टाइम। अब हम गुड हैबिट टिप दे रहे हैं जो कि सेफ्टी रूल है, वो क्या है, नेवर बोर्ड ऑन और लीन आउट और अ लाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। मूविंग बस मतलब चलती हुई गाड़ी, चलती हुई बस हो या चलती हुई कोई भी गाड़ी हो, ट्रेन हो, स्कूटर हो, बाइक हो, है ना, कार हो, जीप हो, जो भी हो, चलती हुई गाड़ी से, चलती हुई यहाँ पे मूविंग बस है, तो चलती हुई बस से या चलती हुई गाड़ी से आपको ना ही चलती हुई गाड़ी पे चढ़ना है, ना ही लीन आउट, ना ही झुकना है, और ना ही अलाइट यानी कि उतरना है। चलती हुई गाड़ी पे नहीं चढ़िएगा, चलती हुई गाड़ी से नहीं बाहर झुकिएगा, और चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरिएगा, है ना। उस कंडीशन में अगर ये काम कीजिएगा तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है और आपके साथ बुरा हादसा पेश हो सकता है। तो सभी बच्चे, अगर गाड़ी रुक जाएगी, सिर्फ बच्चों को फॉलो नहीं करना, ये बड़े इंसान के लिए भी है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा ट्रेन चल देती है और लोग दौड़ कर ट्रेन पकड़ते हैं, कभी तो अच्छे से चढ़ जाते हैं लेकिन कभी कभी किन्हीं लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है ना आपके साथ, इसीलिए सभी इंसान, सभी बच्चों को, और आप बच्चे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी से ये बात को फॉलो करें कि गाड़ी अगर चल रही है तो ना ही हमें चढ़ना है, ना ही हमें चलती हुई गाड़ी, चाहे खिड़की हो या दरवाज़ा हो, उससे झुकना है, और ना ही चलती हुई गाड़ी से उतरना है। सभी बच्चे इन गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, नेवर बोर्ड ऑन और लीन आउट और अ लाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। होमवर्क तो कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर जिनको नहीं आते वो भी याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।